गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स. टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, एनालिटिक सॉल्यूशन ऑफ एलसीआर सर्किट. इससे पहले हमने एलसीआर सर्किट क्या था वो पढ़ा था, उसके अंदर उसका फेजर डायग्राम क्या था. तो देखो, एलसीआर सर्किट हमने क्या लिया था, सीरीज के अंदर थे एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और एक क्या लिया था हमने, कैपेसिटर एल आर एल और सी. और इसके साथ किसको कनेक्ट किया गया था, एसी सोर्स को. किसको कनेक्ट किया गया था, एसी सोर्स को कनेक्ट किया गया था. और इसके अंदर जो करंट जा रहा था पूरी सर्किट के अंदर, कैसा था करंट, पूरे सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या थी, सेम. तो बेस क्या था यहाँ पे, करंट. तो यहाँ पे करंट था, करंट पूरे इसमें सेम था. तुमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के केस में करंट और ईएमएफ का जो फेज था क्या था, सेम था. तो मतलब वोल्टेज भी इस केस में इधर ही जाएगी. बट इंडक्टर के केस में जो ईएमएफ था वो लीड कर रहा था और करंट क्या कर रहा था, लैग कर रहा था. तो ऐसे जाएगा, करंट लैग कर रहा था, वोल्टेज क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, आगे चल रहा था. इसके अंदर इसका क्या जाएगा, उल्टा आ जाएगा. इसके अंदर करंट लीड करेगा और वोल्टेज क्या करेगी, लैग करेगी. इस टाइप से हमने इसका डायग्राम बनाया था, एंड फेजर डायग्राम. तो देखो इसके अंदर, इस सर्किट में, एलसीआर सर्किट के अंदर करंट क्या है पूरी सर्किट के अंदर, सेम है. तो जो पोटेंशियल, जो डिफरेंस मिलेगा वो डिफरेंस, टोटल डिफरेंस भी क्या आएगा, इंडक्टर का प्लस कैपेसिटर का प्लस रेजिस्टर का, तीनों का सम आएगा. और यहाँ पे जो मैंने इसे सोर्स दिया वो कितना है, मान लेते हैं वी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वी है साइन ओमेगा टी. ठीक है, ये हम कर चुके हैं. तो वी है इंडक्टर के केस में, हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ा था ना, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो उसमें किसके इक्वल आता है ये, तो वी एल किसके क्या आया, एल और एल और किसके इक्वल था, डी आई डिवाइडेड बाय डी टी. वी सी कैपेसिटर के केस में देखो, कैपेसिटर के केस में क्यू डिवाइडेड बाय सी किसके इक्वल होता है, वी के इक्वल. ठीक है, तो वी की जगह हम कैपेसिटर के केस में क्या पुट करेंगे, क्यू डिवाइडेड बाय सी. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी किसके इक्वल होता है, आई आर के इक्वल होता है. तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के इक्वेशन को यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे. तो देखो वी एल की जगह मैंने पुट किया क्या, वी एल की जगह मैं पुट कर रही हूँ एल डी आई अपॉन डी टी, वी सी की जगह क्यू अपॉन टी सी और आर की जगह आई टू आर. ठीक है, ये आ गया. अब यू नो दैट करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. डी आई बाय डी टी निकालना है तो निकालो, डी आई अपॉन डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी. ठीक है, आई किसके इक्वल आया, आई डी क्यू बाय डी टी होता है. आई क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी. अब डी आई अपॉन डी टी निकालोगे तो डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर. अब इसकी वैल्यू डी आई अपॉन डी टी की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर. तो वैल्यू पुट करो, एल एज इट इज इसकी जगह मैंने पुट कर दिया डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन सी डिवाइडेड बाय आई इंटू आर. ठीक है, क्या है यहाँ पे, क्यों चार्ज है ना, और डी टू अपॉन डी टी का मतलब कितनी बार डेरिवेटिव हो चुका है इसका, दो बार. ये क्या निकले अपने, टोटल वोल्टेज जो इस सर्किट के अंदर है. अब हमें तो इसको, अब इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो इसका सॉल्यूशन निकालना है. प्लस वन में तुमने पढ़ा था जब इस टाइप की इक्वेशन बन जाती थी तो वहां पे तुमने पढ़ा था, एक ओसिलेशन में पढ़ा था डैम्प्ड वाला, याद होगा. तो क्यों किसके इक्वल आएगा, इसमें क्यों है साइन, स्मॉल में लेना चाहे क्यू इज इक्वल टू क्यू है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. ठीक है, तुम्हें क्या करना है, डी टी क्यू अपॉन डी टी, दो बार डेरिवेटिव. फर्स्ट टाइम क्या, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू है कॉन्स्टेंट, साइन का डेरिवेटिव
थीटा और एंगल का साथ में क्या जाएगा ओमेगा, ठीक है। फिर निकालो, जो बार करना है तो डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, क्यू एम एज इट इज, ओमेगा बी एज इट इज, साइन का कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और एक बार ओमेगा का तो क्या जाएगा ओमेगा स्क्वायर। बन गई है वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करो। यहाँ तक समझ आया हमने क्या किया है? पहले हमने टोटल जो सर्किट किया था, जितनी हम ऐसी सप्लाई दे रहे थे, टोटल जो वोल्टेज निकाली, फिर हमने इनकी वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे वैल्यू पुट की, और फिर हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी डैम्प्ड फॉर ओसिलेशन के अंदर, ठीक है, इसी टाइप से इक्वेशन। फिर मैंने इसको क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, फिर यहाँ पे डी टी क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। आगे देखो, ये वैल्यू निकल गई, एक वैल्यू और देखो, तुम्हें पता है एक्सएल किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल के इक्वल होता है, ठीक है। यहां से अगर हम एल की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी, वन अपॉन ओमेगा, एल की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगी, एल की वैल्यू क्या आएगी, एक्सएल डिवाइडेड बाय ओमेगा, ठीक है। और पता है तुम्हें एक्स सी किसके इक्वल होता है, वन अपॉन ओमेगा सी, यहां से वन अपॉन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स सी ओमेगा, ये वैल्यू ये वाली और ये वाली, ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखो इसको मैं रेज कर रही हूं, क्या क्या वैल्यू है ध्यान से देखना, ये एल, एल की वैल्यू क्या निकली है, एक्स एल अपॉन ओमेगा, वैल्यू पुट की एल एज इट इज, एल की वैल्यू क्या निकली, एक्सएल अपॉन ओमेगा, डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। थीटा क्या है यहाँ पे, फेज डिफरेंस, प्लस क्यू एज इट इज, चाहे स्मॉल ले लेते हैं यहाँ, वन अपॉन सी की वैल्यू क्या है, एक्स इंटू ओमेगा, तो ये आ गई एक्स इंटू ओमेगा, ठीक है। और क्यों की वैल्यू पुट कर दो, जो हमने पुट ली थी वैल्यू, एक्स सी ओमेगा क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है, प्लस आई इंटू आर एस एक्स, स्क्वायर से एक पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, इसको मैं इरेज कर रही हूं। नेक्स्ट पार्ट फिर हम यहां से जब वैल्यू निकालेंगे, और v किसके इक्वल था, हमने यहां पे लिया था टोटल v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी के, v किसके इक्वल था, वी एम साइन ओमेगा टी, तो इसको लास्ट में सोल्व करने के बाद तुम्हें खुद करना, जो रिजल्ट आएगा वो देखो किसके इक्वल आएगा, वी एम साइन ओमेगा टी, सिर्फ कैलकुलेशन बच गई, माइनस ओमेगा क्यू एम एक्स एल कोस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई, ये रिजल्ट बन जाएगा यहां से ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। ऊपर लिख देती हूँ रिजल्ट, देखो हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, कुछ कॉमन लेके यहां तक टर्म आ जाएगी, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जेड से मल्टीप्लाई किया और जेड से ही डिवाइड किया, जेड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो यहाँ पे जेड क्या था, इम्पीडेंस। तो तुमने एक डायग्राम देखा था कल, हमने जो वैल्यू निकाली थी टेंजेंट फाई की, याद है टेंजेंट फाई की वैल्यू कैसे निकली थी, वो डायग्राम एक बार दोबारा देखो, क्या किया था हमने उसके अंदर, ऐसी वैल्यू ली थी ना, ये क्या रहा था अपना इम्पीडेंस जेड, ये आर, यहाँ पे एंगल था फाई, यहाँ पे क्या था माइनस एक्स, यहां से आर अपॉन जेड, आर अपॉन जेड किसके इक्वल आएगा, एंगल कोस फाई, तो आर अपॉन जेड की जगह वैल्यू पुट करनी है कोस फाई, और एक्स एक्सएल माइनस एक्सएल अपॉन जेड की जगह क्या पुट करोगे, साइन फाई, ठीक है। ये वैल्यू पुट करने के बाद यहां पे एक फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला तुम्हें निकालना है, तो समझ आए इसका एनालिटिक सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है, ये सिलेबस के अंदर है, इसको सोल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, निकाल के देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, वैल्यू को कंपेयर करेंगे,
आई की जगह क्या काम कर रहा है, क्यू इंटू एम, और इसकी जगह आर। तो वी एम किसके इक्वल आ जाएगा, आई एम इंटू जेड इम्पीडेंस। यहाँ से जेड की वैल्यू निकालूंगी तो वी एम डिवाइडेड बाई आई एम, और तुम्हें पता है और आई एम की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, वी एम डिवाइडेड बाई जेड। और जेड की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर उस कंप्लीट का। तो ये था अपना एनालिटिक सॉल्यूशन एलसीआर सीरीज सर्किट, ठीक है। ये इससे पहले जो हमने किया था एलसीआर का सर्किट डायग्राम, फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम, और वो कैसी वैल्यू ली थी, इंपीडेंस क्या होता है, वो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से करनी है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली थी, कल हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, रेजोनेंस। ओके, तो यहां तक नोट्स प्रिपेयर करने हैं, सोल्व करना है, फिर नोटबुक के अंदर राइट करना है इसका।